गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज अक्षय, अक्षय चा पहिला चेंडू, पहिला चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, वाइड बॉल घोषित केलाय. एक अतिरिक्त धावेने सुरुवात होते. स्ट्राइकचा फलंदाज कृष्णाच्या बॅटमधून मात्र निश्चितपणे एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो. एक धाव घेतली जाते, धावपलकावरती दोन धाव असतील. गोलंदाजी मार्ग वरती आपण गोलंदाज पाहतोय अक्षय कडू. आज या स्पर्धेमध्ये मात्र दोन अर्धशतक पाहायला मिळाले. पहिलं अर्धशतक ओंकार, ओंकार कडू. दरम्यान हा चेंडू बॅट चिकर घेऊन जातो. क्षेत्ररक्षक असेल पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव मात्र या चेंडूवरती, धावपलकावरती तीन धाव असतील. गोलंदाजी मार्गावरती पुन्हा सज्ज होतोय गोलंदाज. निर्धारित वेळेमध्ये आपल्याला हा सामना संपवायचा. बॅड लाईटचं कोणतंही कारण ऐकून घेतलं जाणार नाही. दोन्ही संघाला सूचना असेल, विशेषतः क्षेत्ररक्षण करणारा संघ, कारण नंतर तुमच्या संघाला फलंदाजी करायची. पुढे येऊन सरसावून मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र शरीरावरती आदळतोय. बॅट आणि चेंडूचा मात्र कोणताही संपर्क नसेल. चार धावा धावपलकावरती. लेगबाईचा इशारा येतोय. जे दोन्ही पंच मैदानावरती अक्षय निर्मळ आणि बालोजी निगडे. एक मोठी स्पर्धा, बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट. पुन्हा गोलंदाजी मार्गावरती अक्षय. हा चेंडू मात्र खेळलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू येतोय सीमारेषेकडे. सुंदर क्षेत्ररक्षण, चांगलं बॅकअप असेल. या चेंडूवरती मात्र दोन धावा धावपलकावरती. धावसंख्या जाऊन पोहोचते सहा धावा धावपलकावरती. या षटकातील पुढचा म्हणजे पाचवा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज अक्षय. स्ट्राईक वरती मात्र फलंदाज. बॅक टू द बॉलर खेळाय विकासने. हा चेंडू कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. पाच चेंडू मध्ये सहा धावा. सहा षटकांचा सामना, दोन षटकांचा पॉवर प्ले. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक एक मैदानावरती टाकलं जात आहे. आतापर्यंत केवळ सहा धावा. हा चेंडू पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक. डीप लॉंगॉनवरती क्षेत्ररक्षक होता. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव, सात धावा. चला नवीन गोलंदाज, लगेच गोलंदाजी मार्गवरती यायचंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सात धावा. गोलंदाजी मार्गावरती जर्सी क्रमांक 07 संदीप शेळके एस एस. दरम्यानच्या काळात मंचावर एक सन्मान सोहळा मात्र या ठिकाणी संपन्न होतोय. अध्यक्ष युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कोथरूड मतदारसंघाचे अध्यक्ष आदरणीय गिरीशजी गुरनानी यांचा या ठिकाणी मंचावर यथोचित सन्मान मात्र या ठिकाणी होतोय. आणि हा सन्मान देण्यासाठी मी विनंती करतोय गणेशजी यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी गिरीश गुरनानी यांचा या ठिकाणी सन्मान करतो. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी एक गणेशजी यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी पहिलं षटक टाकलं होतं अक्षयनं. पहिल्या षटकामध्ये सात धावा दिल्या. या षटकामध्ये मात्र पहिला एक फलंदाज मात्र बाद होतोय. गोलंदाजी मार्गावरती संदीप शेळके. एक उत्कृष्ट असा झेल टिपलाय. जर्सी क्रमांक 00 माही. या चेंडूला मात्र दिशा दिली. नंतर मात्र मंचावर आणखी एक सन्मान होतोय. अध्यक्ष प्रवक्ता प्रभाग क्रमांक 11 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कोथरूड मतदारसंघ आदरणीय शशांक भाऊ काळभोर यांचं देखील मंचावर या ठिकाणी सन्मान होत आहे. विनंती असेल शशांक भाऊ काळभोर आपला या ठिकाणी सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रत्येकाचा येणाऱ्याचा मान सन्मान करणं खऱ्या अर्थानं मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानची परंपरा आहे. आणि ही परंपरा या ठिकाणी आपण जोपासणार आहोत. HPL 2022 शशांक काळभोर साहेब आपलं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत असेल. आणि त्या दरम्यान गिरीश गुरनाणे असतील या सर्वांचंच पुन्हा एकदा मी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित HPL 2022 मनपूर्वक करत आहोत पुन्हा एकदा स्वागत. पुन्हा गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होतोय गोलंदाज संदीप शेळके. स्ट्राईकचा फलंदाज कृष्णा मात्र लागोपाठचे तीन चेंडू. काय जबरदस्त गोलंदाजी आहे, काय चांगलं कमबॅक केलंय संदीप शेळके.
सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन, नियंत्रित पारा, फलंदाजाला मात्र रोखून ठेवलं, स्ट्राइकचा फलंदाज कृष्णा, नॉन स्ट्राइकला मात्र आपण पाहतोय। यावेळी मात्र हा चेंडू काही काळ हवेत असेल, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल मात्र टिपलाय, फलंदाज बाद होतोय, आणखी एक मोठा धक्का। चला सगळे एकत्र येऊ नका, बाकी क्षेत्ररक्षक आपल्या जागेवरती, सेलिब्रेशन मॅच नंतर। चला लवकर, चला नवीन फलंदाज, चला नवीन हार्दिक पांड्या, चला लवकर मैदानात। विशेषतः क्षेत्ररक्षण करणारा संघ धावपलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली, 8 धावा। गोलंदाज मार्क वरती अक्षय कडून, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धाव आहेत त्या फक्त 8, 2 बाद 8। स्ट्राइकचा फलंदाज बाबू, नॉन स्ट्राइकला केतन रामपुरे, अक्षय वैयक्तिक दुसरं संघाचं तिसरं षटक। हा चेंडू मात्र बॅक टू द बॉलर, कोणत्याही प्रकारची धाव नाही, पुन्हा एक निर्धाव चेंडू, जितके निर्धाव चेंडू तितकं तडपण मात्र वाढतंय समोरच्या संघासोबत। प्रतापगड फायटर्स आणि तोरणा ट्रॅकर्स पुन्हा एक निर्धाव चेंडू, काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन, इतकं चांगलं कमबॅक। पुन्हा एकदा 3 लागोपाठचे 3 चेंडू निर्धाव, यावेळी मात्र चेंडू हवेत आहे, फटका फसलाय, फलंदाज बाद, आणखी एक मोठा धक्का। काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन, बाबूला मात्र परतावं लागतंय। चला नवीन फलंदाज लगेच मैदानात यायचंय, तिसरा खेळाडू बाद होतो, सुंदर असा झेल टिपलाय राहुल, मात्र झेल टिपलाय, काय जबरदस्त गोलंदाजीचा परफॉर्मन्स आहे। आजच्या सत्रातील हा शेवटचा सामना असेल, मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL 2022 चा थरार। यावेळी मात्र हा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे, चेंडू मात्र जातोय सरळ सीमारेषा पार, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार। दरम्यान चेंडू मैदानामध्ये आलाय, ज्या प्रेक्षकांनी चेंडू मैदानामध्ये दिलाय त्या प्रेक्षकाचं निश्चितपणे स्वागत असेल। स्कॉटलंड यार्ड पोलिसापेक्षा कमी वेळेमध्ये चेंडूचा शोध लावलाय, 14 सेकंदानंतर चेंडू मैदानामध्ये आलाय, पुन्हा एकदा खेळ सुरू होतोय, त्या प्रेक्षकाचं अभिनंदन। पुन्हा एका आखूड टप्प्याचा चेंडू, बॅक चिकर घेतलाय, चेंडू जातोय बंदुकीतून निघालेल्या गोळीप्रमाणे सुसाट वेगवान, चौकार। सोळा धावा धावपलकावरती, दोन संजीवनी देणारे चौकार मात्र। पुन्हा गोलंदाज मार्ग वरती संदीप शेळके, सुंदर चेंडू,
आपण पाहतोय प्रेक्षकांबरोबरच काही महिला प्रेक्षक देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत समालोचक कक्षाच्या उजव्या बाजूला, कारण महिला देखील आजकाल क्रिकेटमध्ये कमी नाही आहेत. पुन्हा एकदा चेंडू काही काळ हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल मात्र सुटलाय, एक जीवनदान मिळालंय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय या चेंडूवरती. मात्र दोन धावा, तिसऱ्यासाठी देखील प्रयत्न होता परंतु नकार दिलाय. दोन धावा, स्ट्राईक वरती मात्र जातोय केतन रामपुरे. गोलंदाजी मार्ग वरती संधी या षटकामध्ये, मात्र संजीवनी देणारे दोन चौकार मात्र पाहायला मिळाले. संदीप हा चेंडू पुन्हा एकदा खेळलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक जातोय, चेंडू मात्र जातोय शॉर्ट फाईनलच्या दिशेने. वीस धावा धावपलकावरती. गोलंदाजी मार्ग वरती आपण पाहतोय संदीप शेळके, महाराष्ट्र पोलीस क्राईम ब्रांच. एक धाव मात्र या चेंडूवरती, धावपलकावरती धावसंख्या असेल 21 धावा धावपलकावरती. चेंडू मात्र नेता होतोय सामन्यातलं वेगवान षटक मात्र टाकले संदीप शेळके. 2 मिनिट आणि 11 सेकंद आतापर्यंत या षटकामध्ये वापरलेला वेळ आहे. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू, चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 धावा धावपलकावरती, 3-21. गोलंदाजी मार्ग वरती मात्र आपण पाहतोय गोलंदाज यश. चला सुरू करा सामना लवकर. चेंडू मात्र गेलाय सीमारेषा पार, चौकार. पंचवीस धावा धावपलकावर. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकचा फलंदाज केतन, एक पॉवरफुल स्ट्रोक खेळला क्षेत्ररक्षक असेल, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव घेतले, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होता परंतु निश्चितपणे एकाच धावेवरती मात्र समाधान मानावं लागेल. एका धावेने धावपलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे स्पेशल 26, 26 धावा धावपलकावरती. पुन्हा एक वेगवान चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय, मोठा धक्का. नवीन फलंदाज नागेश. या षटकातील मात्र शेवटचा चेंडू असेल. सुंदर क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळते.
दरम्यान या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी मंचावर उपस्थित आहे सन्माननीय किरण शेडगे यांचे देखील मनपूर्वक स्वागत असेल. एक उत्कृष्ट क्रिकेटर किरण शेडगे यांचे देखील आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. अठ्ठावीस धावा धावपळकावरती चार बाद अठ्ठावीस. हा चेंडू मात्र खेळला क्षेत्रक्षक थोडासा दूरवरती आहे. चेंडू सीमा पार चौकार कडक कडकडीत प्रहार एक ब्रँडेड चौकार. चार चेंडूचा खेळ बाकी असेल बत्तीस धावा धावपळकावरती. स्ट्राइकचा फलंदाज मात्र केतन रामपुरे. या मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला होता. फलंदाज बाद होतो एक मोठा धक्का केतनला मात्र परतावा लागतोय. बत्तीस धावा धावपळकावरती पाचवा धक्का धक्का क्रमांक पाच. चला नवीन फलंदाज लवकर थोडस फास्ट. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रोहन. आपण पाहतोय व्यासपीठाच्या समोर जे आकर्षक चषक या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं मानाचे चषक आहे. स्वर्गीय तात्यासाहेब कुदळे यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय नाना कुदळे यांच्या वतीने असणारे ते आकर्षक चषक आपण पाहतोय. हा चेंडू खेळला क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. निश्चितपणे शेवटचे काही चेंडू असतील दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. धावबादची निश्चितपणे संधी आहे. दोन धावा मात्र पूर्ण करतायत दोन्ही खेळाडू. चौतीस धावा धावपळकावरती चौतीस धावा धावपळकावरती पहिल्या चार षटकांचा जर आपण इतिहास पाहिला तर समीकरण वेगळं होतं. चौतीस धावा धावपळकावरती हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेत खेळलाय. झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक मोठा धक्का धक्का क्रमांक सहा. चला नवीन बॅट्समन नवीन बॅट्समन नवीन फलंदाज प्रथम. वाईड धावपळकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते काठावर पास पस्तीस. पुन्हा एकदा चेंडू काय खेळला होता. क्षेत्ररक्षक दूरवरती एक धाव घेतले दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय. दोन धावा या चेंडूवरती धावबादची निश्चितपणे संधी असेल. फलंदाज मात्र धावबाद होतोय. सदोतीस धावा बनवले गेले आणि अडोतीस धावांचं लक्ष असेल. ओव्हर झाली षटक संपलेला आहे. बरोबर आहे. ओव्हर काउंट झालेले पूर्ण ओव्हर झालेले. सदोतीस धावा बनवले गेले आणि अडोतीस धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. चला चला चेन्नई सुपर किंग आपलं क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचंय. चेन्नई सुपर किंग दिलेल्या निर्धारित वेळेमध्ये ही सहा षटक संपवले. अडोतीस धावांचं लक्ष. चला सलामीचे दोन फलंदाज प्रतापगड फायटर्स आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे. तोरणा सलामीचे फलंदाज
एक दर्जेदार स्पर्धा मात्र आज आपण पाहतोय। आज सकाळी या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आमचे मान्यवर पुनीत दादा बालन, त्याचबरोबर क्रीडा विश्लेषक सुनंदन लेले आणि आज दिवसभरामध्ये अनेक राजकीय पक्षांचे अधिकारी पदाधिकारी या सर्वांनी या स्पर्धेसाठी भेट दिले। त्या सर्व मान्यवरांचं आयोजन समितीच्या वतीनं मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL 2022च्या वतीनं मनपूर्वक अभिनंदन। जाऊया मैदानावरती, जिंकण्यासाठी 38 धावांचं लक्ष आहे। सामना जिंकण्यासाठी 38 धावांचं लक्ष, 37 धावा बनवल्या गेल्या होत्या आणि 38 धावा बनवायचे। इस मैदान की आगी की कहानी आप सुनेंगे महाराष्ट्र के मशहूर कॉमेंटेटर मिस्टर सलीम शेख की जुबानी। चलिए शुक्रिया, स्वागत है फिर से एक बार। शाम का समय बिल्कुल संगीन होता जा रहा है, अगर देखेंगे तो 38 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और 38 रन बनाने के लिए टीम के धुरंधर पहुंचे मैदान में, दो जिसमें एक जान, दिलो धड़कन है टीम के। और ये दोनों खिलाड़ी खास है, एक तरफ देखेंगे तो यह जादव और नौस्ट्रक पे देखेंगे तो अविनाश, एक तरफ इनके नाम में यश है, दूसरी तरफ अविनाश है। सामने वाले गेंदबाज की गेंदों को करे नाश, वो है अविनाश नौस्ट्रक पे, और यह जादव ये कमाल के खिलाड़ी है। और गेंदबाजी में देखेंगे तो टीम के नायक खलनायक ये है, और चेन्नई सुपर किंग तो ये नहीं है लेकिन पहराव बिल्कुल इनके जैसे है। 38 रनों के लिए लेट्स प्ले। पहली गेंद जबरदस्त खूबसूरत, बस 33 नंबर जना भाग रहे हैं, लेकिन पहली गेंद पे बाबू का किया यहाँ पर चौके के साथ स्वागत यश। यश का बल्ला घूमता है तो बिल्कुल गूंज निकलती है, चौके के साथ में किया है स्वागत यहाँ पर। 38 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ा सा वक्त की कमी नजर आ रही थी सर जी, लेकिन आयोजक की जान हलक में आई थी, जावेद भाई हो या अपने लिंबा जी हो, इनकी जान हलक में आई थी क्योंकि एक मुकाबला अगर बचता तो कल टेंशन बन सकती थी। और बाबू ने और दोनों कप्तान ने बिल्कुल अच्छा निर्णय। एक और मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खदेड़ा है, गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, दो खिलाड़ी बाहर है, पीछे एक बार भाग रहे हैं, गेंद तेजी के साथ में ट्रेवल होती हुई नजर आ रही है मिड विकेट क्षेत्र में, रन मिलेगा इस मरतबा दुक्का, पहले चौका उसके बाद में दो रन, 38 रन का पीछा करे। एक तरफ कहते ना जनाब कि वो एक फिल्म नहीं है, वो स्टोरीज थी शक्तिमान कुछ तो रेल था, उसके अंदर कहते थे ना अंधेरा कायम हो जाए सम्राट किलबिश, किलबिश की तो यहाँ पर पता नहीं लेकिन अंधेरा बिल्कुल छा सकता है, इसके वजह से ये यश यादव का बल्ला बोल रहा है। चलिए बुजुर्ग मिल्लत वक्त की यहाँ पर किल्लत, एक तरफ रफ्तार का दूसरा नाम बाबू, गेंदबाजी मार पे सामने यश यादव, एक और मत भाई इससे बेटर है, वाह 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 वाह, ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इस मत भाई चौका नहीं है छक्का है बॉस, 6 रन और 6 के साथ में बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं, 1 दर्जन रन, 12 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर, 38 रनों के पीछा कर रही है टीम। एक तरफ बात करेंगे तो ना ट्राइकर्स, ये टीम बहुत ही खास है, और बल्लेबाजी मार पे देखेंगे तो बिल्कुल कमाल कर रहे हैं ये जादव, अविनाश बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पे है, ये सोच रहे हैं कि जनाब मेरा नंबर कब आएगा, नंबर लगते हैं जनाब कि एक तरफ रन पीटते हैं, पिटाई बहुत से होती है तो नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी बस देख रहा है जनाब, 3 गेंदे है, तीनों खेल रहे ये जादव। फिर से एक बार कप्तान बाबू, फिर से एक बार यश के लिए निकलते हुए, और इस बार देखिए खड़े खड़े शॉट खेला है, मिड ऑफ का वाइडिश मिड ऑफ पे गेंद जाती हुई, फिलहाल देखिए सिंगल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल पहली मरतबा आया इस ओवर में, 13 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, अभी भी बेहतर कार्य करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए निकलते हुए फिर से एक बार बाबू, पहली मरतबा अविनाश सामना करेंगे, और इस बार देखिए स्लॉट में गेंद थी और फंसाया, बाबू ने फंसाया रफ्तार के साथ में, विवेचन जो पेश किया करते नजर आए, और 33 नंबर इन्होंने की नहीं कोई गलती, विकेट का यहां पर पतन होता, अविनाश को जाना पड़ेगा डगआउट में, फर्स्ट विकेट डाउन,
13 के योग पे लग चुके हैं। यहाँ पर पहला झटका लगाया। दोना स्ट्राइकर की बात करेंगे तो पुणे जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी ढोक इनकी ये टीम है। बिल्कुल आए थे मंच के ऊपर, देखा कि पहले ही खुशखबरी नहीं है, बिल्कुल बैड लक के वाली खुशखबरी मिली उनको कि पहला मुकाबला हारे, ये मुकाबला जीतने के लिए एग्रेसिव होते नजर आ रहे। अब अविनाश के जगह बल्लेबाजी करने के लिए नितिन होसगे, शायद इस ओवर की एकमात्र गेंद शेष है। 13 रन आए हैं अब तक 5 गेंदों में, एक विकेट, बहुत बड़ी विकेट मिली है, फंसाया था यहाँ पर अविनाश को, लेकिन बस नितिन होसगे आए हैं। अब देखना है नितिन किस तरह से खेलते हैं। ओ ये रफ्तार है, ये तेज रफ्तार के साथ में, कहते हैं ना जनाब, अब ये बाबू अगर हरियाणा में सर्जी होता तो हरियाणा के लोग इनको इस तरह से कहते, ये छोरा कमाल का है। और हमारे लफ्जों में कहते हैं जनाब, ये बंदा बहुत कड़क है, कड़क गेंदबाजी करते हैं। चले 13 आए पहले ओवर में, एक विकेट के नुकसान पे दोनों स्ट्राइकर्स बिल्कुल अलग अंदाज में खेल रही है, लेकिन अभी भी गेंदे बाकी है। 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 25-30 गेंदे, 25 रन, वैसे तो उल्टी गिनती शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जब अंधेरा होता है ना शाम के समय में सजी जैसे करना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए ये इनको विकेट चाहिए। अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ दूसरी ओर लेकर पावर प्ले के अंदर विवेक पवार, क्या इनके नाम में पवार है, पवार पावर पंच लगाते हैं, बारामती के हम रहने वाले हैं तो उसकी वजह से, क्या इनके नाम में भी पावर है, क्या ये अपनी पावर दिखाएंगे, खुद की पावर, क्योंकि रफ्तार है, रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करने की ताकत इनकी है। 30 गेंदे 25 रन और फिर से बार यश। और ये देखिए पीछा किया था, बैक टू बॉलर खेले, पॉल तो में फील्ड किया, 91 नंबर की जर्सी, सीएस की नाता इशाद भाई आपने जोड़ ही लिया है, तो अल्बी मॉलकर को भी याद कीजिए, साउथ अफ्रीका के बेहतर गेंदबाज और कुछ ऐसी शैली। फिलहाल देखेंगे यहाँ से 29 गेंदे 25 रन चाहिए, ये जादव इनके ऊपर काफी बड़ी मदार है, एक तरफ रफ्तार है दूसरी तरफ वेरिएशन। ओ क्या जबरदस्त ये गेंद है, ये गेंद है, ये आग का गोला है, बेहतर गेंदबाजी हो रही है, उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है, तेवर दिखा रहे हैं शाम के समय में, तेज गेंदबाज जो तेवर दिखा रहा है वो आसान नहीं है झेलना, इसीलिए कहते ना कोई तेवर वाली अगर किसी को घरवाली भी मिले उस घरवाली के तेवर समझते समझते नाक में दम आता है, वैसे यहाँ पर तेवर दिखा रहे। क्या बेहतर 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 है, ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, लगातार गेंदों से बीट करवा रहे हैं, एक खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसीलिए इनके नाम में भी दम है। बिल्कुल अगर देखेंगे तो यश यादव पहले ओवर में पिटाई की थी, लेकिन इस ओवर में ब्रेक लगवा दिया है जनाब। इस बार देखिए, इस बार संपर्क अच्छा है, गेंद को भेजाए कोसों दूर और देखे जाएगा आधा दर्जन रन, यश यादव का बल्ला, माशाल्लाह छह रन, ये कनेक्शन बिल्कुल अच्छा है, इस बार कनेक्शन जैसे लगा मानो मोहर सी थी इसके ऊपर छक्के की, इस छक्के के साथ में देखिए तो 19 रन लगे बोर्ड के ऊपर। देखिए इरशाद सर क्या बेहतर फोटोग्राफर, अगर बात करेंगे तो आनंदित होके, अरे मैं फिर भी कहूँ यार आपका नाम आनंद है, आनंदित होके आप फोटो निकाल रहे थे आनंद जी, आपको किसी की नजर ना लगे। इस बार देखिए पहले ही स्टांस बना लिया, स्विच इट खेल रहे हैं, अंपायर कह रहे हैं जनाब थोड़ा सा अतिरिक्त के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्टांस बदल लिया है। वो कहते हैं जनाब कि जब खींच सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करना पड़े, 19 रन लगे बोर्ड के ऊपर, आधे रन बन चुके हैं, आधे रन अभी बाकी है, एक तरफ रफ्तार है दूसरी तरफ ये चादो बहुत ताकतवर खेले। एक और मतवा बिल्कुल चढ़ में, क्रिकेट के अंदर का परमास्त्र जिसको कहा जाता है, इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज बस एक ही काम करता है, रचना तमंग नहीं है, बस बचने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस गेंद पे भी आया सिंगल, सिंगल के साथ में 20 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी मुकाबला जीतने के लिए गेंदे बाकी है, 24 रन चाहिए 18, 24 गेंदे 18 चाहिए। एक तरफ की बात करेंगे शिवनेरी ये टीम है और दूसरी तरफ तो ना स्ट्राइकर है, 24 गेंदे माफ कीजिए प्रतापगढ़ है, 24 गेंदे 18 चाहिए।
फिर से एक बार आए हैं बाबू इंदुलकर, ये जबरदस्त गेंदबाज है, तेज गेंदबाज दिखाई देती नहीं है, शाम का समय है और बैड लाइट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी भी रन चाहिए 18। वाह ये देखिए छोटी गेंद पुल किया है और फिर से एक बार क्या हाथ पकड़ा है, वाह 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 शॉट, ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच पकड़ा या आपने मैच पकड़ा, ऐसा लगता है कि मानो सुबह से ऐसा लग रहा था पीठ पे लगवाने का तेल हाथ पे लगवा के आए थे जिन्होंने, अब चेक करना पड़ेगा क्या इन्होंने फेविक्विक लगा के आए हैं, बाद में चेक किया जाएगा, आप ध्यान दीजिए इनको क्योंकि कैसा कैच पकड़ा जरा हमने, वो कहते हैं ना खुद गिरेंगे लेकिन टीम को गिरने नहीं देंगे, कुछ वैसा यहाँ पर कार्य किया है। बाबू आए बाबू छा गए इस मैदान में, यश को जाना पड़ेगा बाहर अब साथ निभाने के लिए, टोटा स्ट्राइकर का एक और बेहतर स्ट्राइकर आ चुका है मैदान में, मुकाबला जीतने के लिए 18 रन चाहिए, क्या 18 रन बनाते बनाते सहजी नाक में दम हो जाएगा, क्या यहाँ पर मुकाबला फंस सकता है, 23 गेंदे 18 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, अब बल्लेबाजी करने के लिए यश की जगह पे बल्लेबाजी मार पे आए हैं शुभम, क्या शुभम का आना क्या शुभ संकेत है, ये भी देखने वाली बात है, एक तरफ कप्तान है रफ्तार का दूसरा नाम, ओह इस बार देखिए रडार पे गेंद थी और डिपॉजिट की है स्टैंड में, स्लॉट पे गेंद थी और डिपॉजिट की है सामने वाले पार्किंग लॉट में, ओए ओए इन्होंने तो अपने तेवर दिखा लिए मानो ये डगआउट से सेट होके आए हैं, और आते ही ऑन द वे डिपॉजिट की स्टैंड में, आधा दस रन मिले हैं 12 चाहिए, वैसे तो दो छक्के वाली कहानी बची है, अब 22 गेंदे 12 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, एक तरफ बाबू टीम के नायक है प्रतापगढ़ की टीम के, दूसरी तरफ और यहाँ पर देखिए एक तेरी एक मेरी वाली कहानी है, बाबू कह रहे हैं जनाब खूबसूरत आपकी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी भी गेंदबाजी नहीं है, मैं भी वापसी करना चाहता हूँ, लेकिन बसरत यह है कि आपने वो रन बहुत कम लगाए हैं, वो कहते हैं ना जनाब कि कम खर्चे पे ज्यादा चर्चे होने चाहिए, आपके बल्लेबाजों ने वो टोटल इतने बना पाए नहीं है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अब वो समय आ चुका है, फिर से बात बाबू एक और मरतबा पीछे हट के बैक पर पंच करना चाहते थे, तेज गेंद निकली और बिल्कुल जैसे निकली होगी जनाब ये बल्लेबाज के कान के पास जैसे गुजरे होगी थोड़ी सी बातें करती हलचल करते बातें करते निकली गेंद, अब मारो पहले जो खेला था उस शॉट खेल सकते हैं, 12 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, सबकी नजरें इस बेहतरीन क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित एचपीएल के अंदर आज शाम में होती हुई, एक और मतलब ये अच्छा ड्राइव है कमाल का ड्राइव है, इनके ड्राइव के तो पूरे दीवाने बन जाएगी कोथरूड नगरी, क्या बेहतर ये खिलाड़ी है, सामने गेंद थी बिल्कुल उसको ड्राइव किया और इसके ऊपर नतीजा है मोहर सी है 4 लिख लीजिए 4, वैसे आप देखिए जिस तरह छक्का लगाया 2 छक्के की जरूरत थी अब चौका लगाया जनाब तो अब 2 चौके चाहिए, क्या मैच चल रहा है घमासान जारी है, एक तरफ कप्तान बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहा है और इन्होंने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किया शुभम 8 रन दूर मुकाबला जीत से, ओ इस बार देखिए सामने गेंद इस बार दबा और देखा भी नहीं एक गेंद की तरफ जिस तरह से कार्लोस बैथवर्ड ने किया था ये कारनामा छक्का यहां पर आता हुआ अब बस 2 कदम दूर है मुकाबला जीत से, वाह रे वाह तेरे क्या कहने शुभम मैदान में आ गए और मैदान में छा गए हैं, बस यहां से 18 गेंदे शेष है मुकाबला जीतने के लिए तो 2 चाहिए 2 कदम दूर है और शायद देखेंगे लग रहा था मुकाबला होगा नहीं, वो क्या होता है लोगों के लगने से न लगने से, हम वो खिलाड़ी है हम वो योद्धे है डरने वाले नहीं है हम डरते नहीं है, विजय पवार काफी ये बाहर है, ये गेंद दोबारा डाल लीजिए 1 रन बस दूर है, अक्षय निर्मल साहब भी इधर मुड़े नहीं है ये भी जानते हैं बस 1 तो रन चाहिए 18 गेंदे 1 रन है सुपर, अगर देखिए कमाल का यहाँ पर कार्य किया स्टोना टाइकर्स के खिलाड़ी ने, और इस बार देखिए हाथ छूटा साथ छूटेगी नहीं पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई चलिए, और इस मुकाबले में दिल जीता दोनों स्ट्राइकर ने मुकाबला जीता।